हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। इसका आज हम लोग लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये काफी छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ 3 ही लेक्चर होंगे इसमें। एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले इसमें प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो 4.1 है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, बेसिकली इसके पहले जो दोनों लेक्चर हमने पढ़ा हुआ था उसमें सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि एल्टीट्यूड क्या होता है और एल्टीट्यूड को किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो देखा था। सेकंड लेक्चर में देखा था कि मीडियन क्या होता है और मीडियन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इसी के बेस पे एल्टीट्यूड एंड मीडियन ट्रायंगल में किस तरह ड्रॉ किया जाता है, इसी के बेस पे आज जो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 4.1 है इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको बस ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस सेट 4.1। इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायग्राम सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन एक्जैक्टली क्या पूछा है। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ठीक है, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे है स्ट्रेट, ये यहां से लेके मिडल पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे है। एंड इसका नाम है LMN, ट्राइंगल का नाम है आपका LMN, ये आपका एंगल का नाम है, ठीक है, ट्राइंगल का नाम LMN है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि ये दिस इज एक्स पॉइंट एंड दिस इज वाई पॉइंट, ठीक है, ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि एक आपको ट्राइंगल दिया है जिसमें कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि इन ट्राइंगल एलिमेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ट्राइंगल जो एलिमेंट है इसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा इसमें एल्टीट्यूड है और कौन सा इसमें मीडियन है। काफी सिंपल सा पहला क्वेश्चन हमें पूछा है, जरूर से इसका रिप्लाई दे देंगे एंड इसका आंसर दे देते हैं। सबसे पहला बात करेंगे एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड क्या आएगा इसमें आप देखोगे, तो एल्टीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड कैसे पहचानते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में अगर कोई परपेंडिकुलर इसने ड्रॉ किया होता है जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, वही होता है हमारा एल्टीट्यूड। तो आप देखोगे तो एल जो है हमारा वर्टेक्स है यहाँ पे ट्रायंगल के लिए, तो उसके स्ट्रेट में आप लाइन देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है जो कि एक्स है, एल और एक्स जो लाइन है आपका आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है यानी कि परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। तो मतलब यही हमारा एल्टीट्यूड है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और लिख सकते हो यहाँ पे कि Lx जो है मेरा क्या है, इज अल्टीट्यूड, ये हमारा क्या है अल्टीट्यूड है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। वही बात करें मीडियन पूछा है, मैं तो मीडियन भी निकाल सकते हैं। आपको पता है मीडियन का मैंने मतलब बताया था कि वर्टेक्स से लेके उसके अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट पे अगर वो अटैच होता है और लाइन सेगमेंट बनाता है तो उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि एल से लेके वाई तक यहां पे ये जो वाई है ये क्या हो गया, एम और एन के बीच का पॉइंट है वाई, जो कि एल से कनेक्ट कर रहा है मिडल वाले पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, मेरा एल और वाई जो है ये मेरा मीडियन है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मीडियन के लिए आप लिख दोगे यहाँ पे मीडियन, हेडिंग डाल दोगे और यहाँ पे बोल दोगे एल और वाई इज अ मीडियन, यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा एल्टीट्यूड है कौन सा मीडियन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, कुछ अलग अलग डायग्राम, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्राइंगल्स के डायग्राम भी आपको दे सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा एल्टीट्यूड है और कौन सा मीडियन है। बहुत ईजी होता है इसको आइडेंटिफाई करना। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। अब पढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि सब मोस्टली जितना भी आप क्वेश्चन देखोगे 4.1 में जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सब प्लॉट करने वाले यानी कि डायग्राम को ड्रॉ करने वाले ही क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन यही है कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, PQR, और उसका आपको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, जो कि आपको मैं यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 से 3 एग्जांपल करवा दूंगा, बाकी के एग्जांपल्स आप लोग को होमवर्क में देने वाला हूँ ये प्रैक्टिस सेट का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडिंग इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 का, जो कि बोला है आपको एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है ट्राइंगल PQR। एक एक्यूट एंगल PQR आप ड्रॉ कर लोगे और आपको बोला है इसमें एल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना है और आपको इसका नाम देना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो लेट्स ड्रॉ हियर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, तो लेट्स टेक इट हियर, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, कौन सा भी एंगल ले सकते हो, कौन सा भी एंगल मतलब कितने भी डिग्री का। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, 90 से कम होना चाहिए, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 90 से कम होना चाहिए। तो आप कितना भी अपने आपसे आप 40 डिग्री ले लो, 50 डिग्री, 60, 70, ये आपकी मर्जी है टोटली, बट आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो मैं तो हाथ से बोर्ड पे बना रहा हूं, लेकिन आपको हाथ से नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर स्केल का यूज करना है ताकि आपका जो डायग्राम है वो स्ट्रेट बन सके। ओके, तो आपने ये ट्राइंगल का ड्रॉ कर लिया, इसका नाम मैं दे देता हूँ, क्या नाम है इसका, PQR बोला हुआ है कि आपको नाम दे देना है PQR। ओके, अब आपको क्या ड्रॉ करना है, इसका एल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक केस में एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से लेके उसके अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है। तो आप देखोगे पी से लेके अगर मैं ड्रॉ करूं तो पी से एकदम स्ट्रेट है, आप लेके आ जाओगे पी से स्ट्रेट, तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, वैसे आर से एकदम स्ट्रेट लेकर आ जाओगे, ठीक है, तो इस तरह से लगभग कुछ बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया आपका,
ठीक है, ये भी 90 डिग्री बन गया। एंड क्यू से आप स्ट्रेट लेके जाओगे तो लगभग इस तरह से आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो मेरा आपका जो बोलोगे आप जब स्केल से बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये तीनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, मेरा लाइन थोड़ा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा बिकॉज मैं हाथ से बना रहा हूं, लेकिन जब भी आप स्केल से बनाओगे ठीक है तो एकदम स्ट्रेट बनाना है आपको, ताकि जब भी वो लाइन पे इंटरसेक्ट करे, जैसे पी का अपोजिट क्या है, क्यू आर है, तो क्यू पे आपने बना दिया स्ट्रेट 90 डिग्री बना दिया, वैसे क्यू का अपोजिट क्या है, पी आर, तो यहां से आप स्ट्रेट लेके जाओगे ताकि ये 90 डिग्री बना सके। वैसे आर का अपोजिट लाइन क्या है, पी क्यू है, तो उस पर आपने बना दिया। अब इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लिया एंड इसका एक नाम दे देना, आपको बोला है कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस रहेगा इसको नाम दे दिया मैंने ओ, यहां पे ऐसा बोला हुआ था। आपने ड्रॉ कर लिया एक ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर लिया तीनों के तीनों सेगमेंट के, और जो पॉइंट आपका कंकरेंस रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा एल्टीट्यूड के केस में जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, आपको याद होगा। तो ये ऑर्थो सेंटर हमारा ओ नेमिंग करने बोला है, हमने नेमिंग कर दिया और इसी तरह से हमने डायग्राम को प्लॉट कर दिया। बहुत सिंपल है, मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा अगर आपके पास पेन और स्केल और पेंसिल है, आप इजिली ड्रॉ कर पाओगे एंड बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जो है जरूर से ड्रॉ कर लोगे आप बुक में। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपको करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और उसका हमने मीडियन को ड्रॉ करना है, तो मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो एल्टीट्यूड वाला हमने एग्जांपल देख लिया, वैसे एक मीडियन वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो रफ करता हूं और चलते हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, जैसे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन बोला है कि आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के ज्यादा आप कितना भी डिग्री ले लो आपकी मर्जी के ऊपर, आप उसको एक ट्राइंगल को ड्रॉ करो। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स टेक इट हियर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो इस तरह से दिखेगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, आप स्ट्रेट बना दो इसको, स्केल से बनाओगे तो आपका एकदम स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपने इस तरह से बना लिया आपका ऑब्ट्यूस एंगल, नाम दे दो, तो नाम क्या करने बोला है यहाँ पे, एस टी वी। ठीक है, एस टी वी आपका नाम है, तो एस टी और वी यहां पे आपने नाम दे दिया जो भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आपने बनाया था। अब इसमें आपको क्या बनाने बोला है, मीडियन बनाने बोला है। तो मीडियन आपको पता है कि क्या होता है, कि वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट पे कनेक्ट करना। तो यहां पे आप देखोगे पहले सबका जो भी सेगमेंट है, एस टी सेगमेंट है, टीवी सेगमेंट है और एस वी जो सेगमेंट है, उसका मिडिल पॉइंट सबसे पहले लोकेट करना होगा। मिडिल पॉइंट कैसे लोकेट करोगे, जितना भी आपने सेंटीमीटर बनाया है उसका हाफ पे आप मिडिल पॉइंट डायरेक्टली बना दो, या तो आप क्या करोगे राउंडर लेके हाफ बना सकते हो डायरेक्टली, जैसे आपको पता ही है। ठीक है, तो लेट सपोज मेरा हाफ यहां पे आता है ये पॉइंट के लिए, लेट सपोज टीवी का जो हाफ आता है लगभग इस तरफ आता है, ये तो मैंने अंदाजे से ले रहा हूं, लेकिन आपको मेजरमेंट करके लेना है, हाफ लेना है, और यहां पे समझ लो कि इसका हाफ यहां पे आ रहा है। अब आपको बस कनेक्ट करना है कि ये जो वर्टेक्स है इसके सामने साइड कौन सा है, एसवी साइड है, तो यहां से आप सीधा सीधा उसके सामने वाले मिडिल पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। एस के लिए अपोजिट क्या है, ये है, तो इसके लिए इसका अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट पे आपने कनेक्ट कर दिया इस तरह, और वी के लिए इसका अपोजिट साइड क्या है, एस टी है, तो वी से आप क्या करोगे इसको आप कनेक्ट कर दोगे और यहां पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों के तीनों एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, यही होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस। और यहाँ पे आपको नाम देने क्या बोला है, कुछ बोला नहीं है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, इसका नाम मैं दे देता हूं जी। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर जब आप मीडियन को ड्रॉ करते हो, और जो मीडियन होता है उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो होता है जहां पे तीनों मीडियन आके मिलते हैं, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। मैंने आपको कराया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेंट्रॉइड हो जाएगा। और इस तरह हमने डायग्राम को भी प्लॉट कर दिया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है एच टी वी, और आपने ड्रॉ कर लिया मीडियन जो कि तीनों के तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ कंकरेंस जिसका नाम है जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे आप देखोगे क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन आप देखोगे तो ये भी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको अल्टीट्यूड को ड्रॉ करना है। पांचवा क्वेश्चन आप देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको मीडियन को ड्रॉ करना है। सिक्स क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें आपको अगेन मीडियन ड्रॉ करना है एंड अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लेना है क्योंकि सेम सिमिलर ही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन सोल्व करके बताया कि कैसे ड्रॉ करते हैं, बाकी के क्वेश्चन में आप लोग के लिए सिमिलर ही है, सेम ही है। अब डायरेक्ट मैं जंप करता हूं यहाँ पे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं डायग्राम को ड्रॉ लेता हूं और इसका क्वेश्चन क्या है ये आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन करना उसको भी आपको ये, क्योंकि इसमें आपको लगेगा मेजरमेंट, क्योंकि स्केल से मेजर करना पड़ेगा जो कि हम लोग यहां पे नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बस बता दूंगा कि किस तरह किया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं जंप कर रहा हूं 7th क्वेश्चन पे और बाकी का 4th, 5th, 6th आप लोगों के लिए होमवर्क है, ड्रॉ करना है बस, और कुछ नहीं, नया नहीं, आप जरूर से इसको कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन का डायग्राम। सबसे पहले मैं यहां पे प्लॉट कर लेता हूं। 7वां क्वेश्चन का जो डायग्राम दिया हुआ है आपको, जो कि है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह से डायग्राम है, इसका नाम मैं देता हूं ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी यहां पे ड्रॉ किया हुआ है और यहां पे मीडियन ड्रॉ किया हुआ है एक दूसरे का। तो यहां से इसका मिडल पॉइंट यहां पे लोकेट हो गया, यहां पे इसका लोकेट हो गया, यहां पे लेट सपोज इसका लोकेट हो गया। तो ए से मीडियन इसका कनेक्ट कर दिया मैंने, सी से यहां पे कनेक्ट कर दिया एंड बी का लगभग
यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिडल पॉइंट हो गया, इसका नाम जी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया, और ये पॉइंट्स भी कुछ दिए हुए जिसका नाम है पी आर एंड क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, दिस इज पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो ट्राइंगल है आपका एबीसी, पी क्यू आर जो है मिडल के पॉइंट है, और जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है यानी कि जो सेंट्रॉइड है वो जी पॉइंट है, ओके। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस सेट का। आपको बोला है क्वेश्चन में कि पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब क्लियरली बोल दिया है कि जो एबीसी ट्राइंगल है उसका जो सेंट्रॉइड है वो जी यहाँ पे बोल के रखा है। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि इफ द लेंथ ऑफ आर जी, ठीक है, आर जी आपको दिख रहा होगा, दिस इज आर एंड जी, मतलब यहाँ पे बोला है कि इफ लेंथ ऑफ आर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बोला है, बोला है 2.5, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर अगर लेंथ ऑफ आर जी है तो बताओ लेंथ ऑफ जी सी कितना होगा। तो हमें पूछा है देन फाइंड लेंथ ऑफ जीसी, जीसी कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लोगे ऐसे इसी तरह का। तो अगर आपने देखा कि आपका जो आरजी है यहाँ पे, जो आरजी आ रहा है ये यहाँ पे है, तो आपको जीसी बताना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आपका जो स्केल रहेगा यहां से जीसी को मेजर कर लोगे, और जो भी सेंटीमीटर आएगा उसको आप लिख दोगे, एंड या तो स्केल से मेजर नहीं कर रहे तो डायरेक्ट कंपास लोगे, यहां से यहां का मार्किंग ले लोगे और उसको स्केल से कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है बहुत सारे क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है बीजी का लेंथ दिया हुआ है 6, तो बताओ पीक्यू का कितना रहेगा, ठीक है, फिर बोला यहाँ पे एपी का जो है 6 दिया हुआ है तो बताओ एजी का कितना रहेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप पूछे हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले डायग्राम को प्लॉट करना पड़ेगा, एंड वो डायग्राम को प्लॉट करने के बाद ही आप बता सकते हो कि किसका मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से एक डायग्राम को ड्रॉ कर लोगे, एंड उसके मेजरमेंट के हिसाब से आप क्या करोगे, इसका आंसर जो है वैल्यू जो है वो निकाल लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें हम लोग ने पढ़ लिया यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पे 4th चैप्टर एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे होता है टोटली कंप्लीट। काफी छोटा सा चैप्टर था, 3 ही लेक्चर में यहाँ पे खत्म हो गया है। यहाँ पे बस आपको करना यही है कि जो प्रैक्टिस सेट में जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं और जो मैंने आपको बोला होमवर्क में करना है, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से तो ये आपका चैप्टर जो है एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें, एंड कुछ भी नया इसके अलावा एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।